देश दुनिया में पानी को लेकर की जा रही चिंता के बीच भारत में सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पानी के प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था कर रही है और इसके लिए समाज को भी आगे आकर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करनी चाहिए। ये बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही। केंद्रीय मंत्री एमपी के दौरे के दौरान दमोह जिले पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को देखा और मौके का मुआयना कर वहीं जिले में चल रही परियोजनाओं के बारे में भी जमीनी हकीकत जानी। मंत्री शेखावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक में भी हिस्सा लिया और पानी से जुड़ी योजनाओं को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठकों के बाद मंत्री शेखावत ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि भारत दुनिया में भूजल का इस्तेमाल करने वाला ऐसा देश है, जहाँ 65% जल जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, जो चिंताजनक है, जिसे लेकर भारत सरकार योजना बनाकर उनको जमीन पर उतार रही है। उसके लिए राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम है और प्रधानमंत्री खुद उस विषय पर राज्य सरकारों से बात कर पानी के बेहतर प्रबंधन की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इस कार्यक्रम को पंख लगे हैं, गति मिली है और मध्य प्रदेश भी अभी नेशनल एवरेज के लगभग बराबर पर है और तेज गति से मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम हो रहा है। दमोह जिला जो आकांक्षी जिला होने के साथ साथ में पीने के पानी की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। देश के औसत और मध्य प्रदेश के औसत दोनों से बहुत पीछे था। आज दमोह जिला भी तेज गति से उस दिशा में आगे काम कर रहा है। मैं सुबह सतदारू का बांध देखने गया था, वहां जो फिल्टर प्लांट बन रहे हैं उनको देखने गया था। उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की है और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि जो दो परियोजनाएं सतदारू के पानी पर बन रही उन योजनाओं के द्वारा जिस गति से काम हो रहा है, आने वाले कुछ समय में ही जय जो है दमोह जिले का ड्रिंकिंग वाटर कवरेज जो है वो 65% को पार करने वाला है। आने वाले 2-3 महीने में एक छलांग लगा करके दमोह जिला जो है वो बहुत आगे पहुंचने वाले है। और जो परियोजनाएं इसके आगे भी बनी है, दमोह पटेरा समूह जल प्रजा योजना, जबेरा तंदुकेड़ा समूह, बक्सवाड़ा समूह, बेबस सुनार 1 और बेबस सुनार 2 और इनके अतिरिक्त जो लगभग 200 से अधिक गांवों में जो सिंगल विलेज स्कीम्स बनाई है, उन सब के माध्यम से हम 100% लोगों को पीने का पानी उनके घर में मिले, माताओं बहनों को अपने सिर पर पीने का पानी ढोकर के लाने के अभिशाप से मुक्ति मिले, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव तक जो लक्ष्य मध्य प्रदेश प्राप्त करेगा, दमोह जिला आकांक्षी जिला होने के बावजूद भी उससे बहुत आगे होगा। मैं बुंदेलखंड की धरती पर बैठा हूँ, अपनी भूमिका का सही से निर्वहन नहीं करूंगा। केन बेतवा परियोजना जो इस पूरे बुंदेलखंड, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का, इन दोनों के लिए लाइफलाइन होने वाला है। छतरपुर दमोह इन जिलों के लिए आने वाले समय में एक नया व्यवस्था खड़ी करने वाला होने वाला है। लाखों एकड़ सिंचाई के साथ साथ में इन दोनों प्रदेशों के सभी जिलों के लगभग 62 लाख लोगों के पेयजल का आधार बनने वाला है। ये निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए बधाई का कारण तो है ही, साथ ही राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के लिए भी निश्चित रूप से अभिनंदन का कारक है। वो केवल इसलिए नहीं कि इस क्षेत्र के जीवन में उसके कारण से परिवर्तन होने वाला है, अभी तो आदरणीय शिवराज सिंह जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से दोनों राज्यों के बीच में ये समझौता किया है, वो समझौता करके उन्होंने पूरे देश के सामने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। अमल खिलेगा और अब की बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, इन सब के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर कमल खिलाने के लिए पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ में जुटेंगे।
ऑलरेडी जुट चुके हैं, वो यात्रा हमने प्रारंभ कर दी है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।